MIUI 13 का नया कंट्रोल सेंटर, मीडिया कंट्रोल और मी स्मार्ट हब अगर आपको अनेबल करना है कोई भी रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस में, वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 13 का OTA अपडेट अगर आपका रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस में मिल चुका है, अपडेट मिलने के बाद आपको MIUI 13 का नया कंट्रोल सेंटर, मीडिया कंट्रोल और मी स्मार्ट हब नहीं मिला है ऑफिशियली, तो कैसे उसको आप अनेबल कर सकते हैं? ऑफिशियली देख सकते हैं, मैं आपका Redmi Note 10 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कि आपका MIUI 13.0.1.0 का OTA अपडेट Android 12 के साथ है, तो आप जो है कोई भी डिवाइस में अनेबल कर सकते हैं, बस आपका डिवाइस में MIUI 13 Android 12 के साथ होना चाहिए। तो देख सकते हो उसके बाद आपको MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर, मीडिया कंट्रोल और आपका मी स्मार्ट हब मिल जाएगा। तो मीडिया कंट्रोल से आप कोई भी मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपको पहले भी ये फीचर देखने को मिलता था, बट MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर में जो है अनेबल नहीं हो रहा था, जो कि आप इससे अनेबल कर सकते हैं। और मी स्मार्ट हब भी अगर आपको अनेबल करना है, जो कि अभी आपका करेंटली बीटा फेज में है, जैसे ही आपका ये स्टेबल आएगा तो आपको जो आपका भी डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, मतलब पूरा फंक्शन करता हुआ, बट अभी आपका जो है करंटली लॉक फेज में है, जो कि अगर आपका डिवाइस में बीटा क्लोज बीटा रॉम यूज़ कर रहे हो तो आपको जो ये देखने को मिलेगा ऑफिशियली, नहीं तो आपको देखेगा करंटली इट इज़ ऑन बीटा फेज या बीटा टेस्टिंग, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये इंस्टॉल करना है या अनेबल करना है, तो उसके लिए आपको दो ऐप्स से, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिना रूट का कोई भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट पहले बोल दे रहा हूँ इसके लिए आपको MIUI 13 एंड्रॉयड 12 के साथ चाहिए। तो फर्स्ट आपका कास्ट है और दूसरा आपका सिस्टम UI प्लगइन है, जो कि आपको पहले सिस्टम UI प्लगइन को इंस्टॉल करना है, जो कि बस आपको टैप करते अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अपडेट का ऑप्शन में टैप करने के बाद आपका अपडेट जो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको अपडेट कर लीजिए, आपका इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको इंस्टॉल होने के बाद आपको दूसरा ऐप, अगर आपको मी स्मार्ट हब चाहिए तो आपको कास्ट भी इंस्टॉल करना होगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको जो है कास्ट इंस्टॉल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, एज सिंपल एज इट है। तो देख सकते हैं आपको जो है MIUI 13 का नया कंट्रोल सेंटर और मीडिया कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको मी स्मार्ट हब चाहिए, जो कि करेंटली बीटा फेज में है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ आपको नया लुक देखने को मिल जाता, नया ऑप्शन, तो उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको अपडेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर, नया वाला मीडिया कंट्रोल, मी स्मार्ट हब, सभी कुछ आपको देखने को मिल जाता है, बस आपका डिवाइस में MIUI 13 एंड्रॉयड 12 के साथ होना चाहिए, चाहे वो रेडमी हो, शाओमी हो, पोको हो, MIUI 13 एंड्रॉयड 12 होगा तो आपका डिवाइस में आराम से इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस ट्राई कीजिए, अगर आपका डिवाइस में नया अपडेट आ चुका है, इंस्टॉल कीजिए, अपडेट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये फीचर और नया लुक, पसंद आया तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, बेल आइकन को टैप करने के बाद नोटिफिकेशन कॉल में रखिए, हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कुछ भी पूछना है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय और बस मिलते हैं कल।